हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मिथ एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो आ चुका है TCS की तरफ से। TCS मीन्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से बहुत ही अच्छा अपडेट आपके लिए निकल कर आ चुका है, जिसमें एज अ फ्रेशर आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। बेस्ट सैलरी आपको यहाँ पे की जा रही है, जिसमें अदर बेनिफिट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो किस तरीके से अप्लाई करना है प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, क्योंकि अर्जेंट हायरिंग है। अभी जाकर आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी ना स्क्रीन पर कैसे अप्लाई करना है, वैसे ही आपको इसमें अप्लाई करना है, तो आपको 100% इसमें रिप्लाई भी मिलने वाला है। आपने वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर देखना है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। सो आप अपने क्वालिफिकेशन अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। अगर आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे तब भी फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे लेटेस्ट जॉब अपडेट के बारे में, जो कि TCS की तरफ से आउट किया जा चुका है। किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके बताऊँगी, जिसमें आपका सक्सेसफुली अप्लाई भी होगा और डेफिनेटली आपको इसमें रिप्लाई भी मिलने वाला है। सो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करते हैं आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं TCS की आई वैकेंसीज के बारे में, जहाँ पर एनी फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज भी हैं, एक्सपीरियंस के लिए भी है, दोनों अप्लाईज के लिए कर सकते हैं। जब मैं फॉर्म फिल करके आपको दिखाऊंगी ना, तब बताऊंगी किस तरीके से किनको फिल करना होगा फॉर्म। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सी जॉब ये आउट की गई है और सैलरी इसमें आपको बेस्ट सैलरी पे की जा रही है, आप किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं एलिजिबल एंड वैकेंसीज के लिए और अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर हर एक अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिल जाता है। बिकॉज वीडियो एकदम से नहीं बन पाती, जो भी अपडेट आता है मैं वहाँ पर आपके साथ शेयर कर देती हूँ, उसको ज़रूर आप ज्वाइन कर लेना। और वैकेंसीज की अगर हम यहाँ पर बात करें, बिल्कुल एंट्री लेवल ये प्रोफाइल है, एनी फ्रेशर्स कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल की अगर हम बात करें, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के ये वैकेंसीज हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के वैकेंसीज बता दीजिए, तो आज वैकेंसीज आ चुके हैं, वो भी TCS की तरफ से। बहुत ही रिप्यूटेड कंपनी है और रिप्यूटेड प्रोफाइल के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं। मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई एज के भी फाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इवन कोई एप्लीकेशन के फ़ी भी आपको यहाँ पे नहीं करनी है, बिकॉज TCS आपको यहाँ पे करने को कभी नहीं बोलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। सो इसमें अगर हम वर्क की बात करें, तो इसमें आपको क्लाइंट के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करना है। अगर यहाँ पर वर्क की बात करें, एक तरह से आपका यहाँ पर स्पोर्ट प्रोवाइड का वर्क रहने वाला है, मतलब क्लाइंट के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं लेकिन आप डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। मतलब जो इनकी टीम्स है जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, उनको आपको सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट करना होगा, ये बेसिक आपका इसमें वर्क रहने वाला है। बाकी कंप्लीट ट्रेनिंग आपको कंपनी की तरफ से इसमें दी ही जाती है और ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पे सैलरी पे की ही जाती है। सो इसमें आपका टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों तरीके से वर्क हो जाता है, कोई यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, हर कोई आप में से इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कोई CS का वर्क नहीं है, कोई हेडेक नहीं है, बहुत ही बेसिक सा वर्क आपका इसमें रहने वाला है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। सो इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में पास आउट की है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी, मतलब किसी भी डिसिप्लिन में आप एलिजिबल हैं वैकेंसीज के लिए और अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम पैकेज की बात करें, तो आपका अप टू 3.5 लाख पर एनम तक पैकेज है, जो कि आपका 4.5 तक जाएगा, क्योंकि प्लस अदर अलाउंस भी इसमें आपको मिल जाते हैं, अदर बेनिफिट मिल जाते हैं, जिसमें PF का, ESI का, मेडिकल का और भी काफ़ी सारे बेनिफिट इंक्लूड होते हैं। तो आपको ये 4.5 लाख पर एनम तक सैलरी जा सकती हैं। एज अ फ्रेशर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुके हैं, जरूर आप इसके लिए अप्लाई करना। अब इसके लिए बात आती है अप्लाई कैसे करना है, बाकी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो अप्लाई के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसका लिंक दिया हुआ है,
आप उस पर क्लिक करेंगे, न्यू इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। लास्ट में आपको देखने को मिल जाते हैं रिक्वायर्ड लिंक। अब रिक्वायर्ड लिंक में आपको जो है पहला लिंक देखने को मिल जाता है इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन का। तो जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है ना, वहीं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है। सीधा TCS की साइट पे आपको अप्लाई करना है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे आपको जो जो डिसिप्लिन यहाँ पे मैंडेटरी है वो फिल करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे अपना फुल नेम मेंशन करना है, जो का आपका डॉक्यूमेंट्स पे मेंशन है। फुल नेम आपका अगर सिंगल मेंशन, आप सिंगल मेंशन करना, दो डिजिट का है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपका मतलब कंप्लीट नेम लीगल है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो डॉक्यूमेंट पे मेंशन है। उसके बाद ईमेल आईडी मेंशन करनी है, मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है, मोबाइल नंबर वो मेंशन करना है जो आपका, या तो आप व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दो या सिर्फ मोबाइल नंबर, या दोनों अगर एक ही मोबाइल नंबर से है आपका है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, आप सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपनी एज आपको मेंशन करनी होगी, ये भी मैंडेटरी चीज़ है, एज आपको जरूर आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए उन्होंने मेंशन किया टोटल वर्क एक्सपीरियंस, इसी के साथ मेंशन किया राइट फ्रेशर इफ़ यू हैव नो एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है आप यहाँ पे फ्रेशर मेंशन करना, अगर कोई भी एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी सिटी मेंशन करनी है, स्टेट यहाँ पे मेंशन करना होगा, क्या आपकी हॉबीज़ है वो मेंशन करना होगा। अब आपका जो आपको यहाँ पे गूगल ड्राइव का लिंक मेंशन करना होगा, जहाँ पे आपका रिज्यूमे है वो लिंक आपको यहाँ पे मेंशन करके पेस्ट करके यहाँ पे सिर्फ सबमिट कर देना है। सक्सेसफुली आपका अप्लाई हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया इसी तरीके से आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना होगा। ना ही कोई अदर प्रोसीजर एप्लीकेशन को सबमिट करने का, ना ही कोई अदर मोड है। जिस तरीके से बताया ऐसे ही आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। अब नेक्स्ट इसमें बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो जिन भी कैंडिडेट की अगर प्रोफाइल आपकी शॉर्टलिस्टेड होती है तो HR की टीम आपको कॉल करेगी रिगार्डिंग इंटरव्यू। वो आपकी वॉक इन होने वाली है, क्योंकि इसमें 7 से 8 लोकेशन के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, लेकिन आप में से हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बस ये है जो लोकेशन आपके नियर बाय है आपको वहाँ पे शिफ्ट होना हो सकता है, बट एज अ फ्रेशर आपके लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अब अगर आप अप्लाई करने हैं, शॉर्टलिस्टेड हो रहे हैं, आपके इंटरव्यू भी हो जाती हैं और आपकी सिलेक्शन भी हो जाती है, तो कुछ मत सोचना आप शिफ्ट भी हो जाना, क्योंकि 4.5 लाख पर एनम का पैकेज बहुत बढ़िया पैकेज होता है एज अ फ्रेशर। अप्लाई आपको इसके लिए ज़रूर से कर देना है। कौन कौन सी लोकेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ पे इन्होंने लोकेशन मेंशन भी की हुई है, वहाँ से रीड करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।